दोस्तों, हर कोई जानता है कि दुनिया की सबसे ऊंची और भव्य बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? अगर नहीं तो इस वीडियो के जरिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, देश की अभी तक की सबसे ऊंची इमारत भी मुंबई में ही है। यहाँ की वर्ल्ड वन भारत की सबसे ऊंची इमारत में आती है। इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 919 फीट है। इसे अब वर्ल्ड टावर कहा जाता है और यह 17.5 एकड़ इलाके में बना है। इसके अलावा वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड क्रेस्ट भी ऊंची इमारतों में शामिल है। दोस्तों, अब भारत के सबसे ऊंची इमारत मुंबई के परेल में बनने जा रही है। यह इमारत 110 मंजिल की होगी। इसे ब्रिटेन स्थित SRAM और MRAM समूह ने बनाने का ऐलान किया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा है कि मुंबई के परेल सेवरी इलाके में 110 मंजिल की इमारत में सब कुछ होगा। हालांकि कंपनी ने अभी इस इमारत की लंबाई को लेकर खुलासा नहीं किया है। यह बिल्डिंग बहु उपयोगी होगी। यह बिल्डिंग अपनी तरह की पहली गगनचुंबी इमारत होगी। इसमें कार्यालय, दुकानें, एक मॉल, एक होटल, 50 बिस्तर वाला एक स्पेशल अस्पताल, सर्विस्ड अपार्टमेंट, एक जिम, हीटेड स्विमिंग पूल, मनोरंजन केंद्र, 50 सीटर मूवी थिएटर और बैंक्वेट हॉल होगा। कंपनी ने अल्ट्रा शानदार प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए वेंकट पिल्लई डिजाइन स्टूडियो के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट वेंकट पिल्लई से कॉन्ट्रैक्ट किया है। SRAM के ग्रुप डायरेक्टर ने कहा है कि यह सिर्फ हमारे काम के लिए एक सम्मान नहीं होगा जो हमने अब तक किया है, बल्कि हमारी विभिन्न टीमों और संस्थापक सदस्यों की व्यक्तिगत जीत होगी। हमने इस तरह की बिल्डिंग बनाने की कल्पना की थी जो अब साकार होने जा रही है। दोस्तों, देश की अभी तक की सबसे ऊंची इमारत भी मुंबई में ही है। यहाँ की वर्ल्ड वन भारत की सबसे ऊंची इमारत में आती है। इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 919 फीट है। इसे अब वर्ल्ड टावर कहा जाता है और यह 17.5 एकड़ इलाके में बना है। इसके अलावा वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड क्रेस्ट भी ऊंची इमारतों में शामिल है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर SRAM और MRAM समूह उत्साहित दिख रही है। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के डायरेक्टर राघव कपूर ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट की कल्पना काफी पहले की गई थी, बस इस पर मुहर लगाना बाकी था। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम करने की तैयारी कर रही है। राघव कपूर ने कहा है कि अब तक किए गए हमारे काम के लिए केवल एक प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि हमारी विभिन्न टीमों और संस्थापक सदस्यों की व्यक्तिगत जीत होगी जिन्होंने इस शिखर तक पहुंचने की कल्पना की थी। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए।